अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका सलमान फैसल अपने व्लॉग के साथ, जो कि औरंगी रेलवे स्टेशन की अपडेट्स के बारे में हाजिर खिदमत है। औरंगी रेलवे स्टेशन का एक मुख्तसर टूर जिसमें मेरे साथ पाक रेलोग्राफी यानी सुफियान भाई भी मौजूद थे, और एक लजीज लंच जो कि फ्राई निहारी का था सुफियान भाई के एजाज़ में। जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि औरंगी रेलवे स्टेशन जो कि नाजमाबाद बड़ा मैदान के नज़दीक वाक़ है, KCR का एक अहम स्टेशन है, और फर्स्ट फेज़ के कंप्लीट होने के बाद ट्रेन यहां तक चला करेगी, यानी औरंगी से धाबे जी। दोस्तों, मैं आपको नई अपडेट से आगाह कर दूं कि KCR ट्रेन का रूट अब धाबे जी तक हो गया है, यानी ट्रेन अब सिटी से धाबे जी तक चल रही है। 1:15 पर मैं और फैसल भाई औरंगी रेलवे स्टेशन पहुंचे और सुफियान भाई से हमारी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात हुई। सुफियान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं जी। आपकी बहुत मैंने क्लिप देखे, सारे ये लोग सारे देखे यूट्यूब पे। ट्रैक पर बैलेंस डाल दिया गया है, जो छोटी रोड़ी होती है और ये ट्रैक को बैलेंस रखती है। ये ट्रैक काफी पुराना मालूम होता है, मगर वर्किंग कंडीशन में है, यानी इस पर ट्रेन चल सकती है। मेन ट्रैक के साथ एक लूप लाइन भी डाली जा रही है, जो फ़िलहाल इनकम्प्लीट है। ये लूप लाइन सफ़र ख़त्म करने के बाद लोकोमोटिव को दूसरी तरफ ले जाने के लिए बनाई जा रही है। स्टेशन की बोसीदा दीवारों को हटाकर नई दीवारें बनाई जा रही हैं, जो आपको नज़र आ रही होंगी सामने। स्टेशन की बिल्डिंग की तज़ीन और आराइश का काम भी जारी है और कलरिंग हो रही है। कलरिंग के बाद स्टेशन का हुस्न दुबाला हो जाएगा और इसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाएंगे। औरंगी स्टेशन का मुख्तसर विजिट करने के बाद हमने लंच के लिए मुमताज़ निहारी, जो कि नाजमाबाद नंबर 2 पर वाकई एक मशहूर निहारी की दुकान है, का इंतखाब किया। हमने फ्राई निहारी का ऑर्डर दिया। एक तो हमें भूख बहुत लगी हुई थी, उस पर फ्राई निहारी के साथ गर्मा गर्म नान ने खाने का मज़ा दुबाला कर दिया और हमने खाने से खूब लुत्फ उठाया। इंसाफ करने के बाद हमने थोड़ी देर गपशप की और फिर वापसी की राह ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही मुलाकात होगी, जो कि मंगूपीर साइड लियारी और बल्दिया स्टेशन के बारे में होगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।